गाथा स्वतंत्रता सेनानियों की। इस कार्यक्रम में हम आपको गाथा सुना रहे हैं उन स्वतंत्रता सेनानियों की, जिन्होंने खुशी खुशी देश के नाम अपने पूरे जीवन को कुर्बान कर दिया। जिस श्रेणी में हम दिखा रहे थे आजादी के लिए युवाओं के बलिदान को, जिन्होंने उस उम्र में सीने पर गोलियां खाई जिस उम्र में लोग घर बसाने के सपने देखते हैं। इससे पहले हमने बात की थी मंगल पांडे और भगत सिंह की, आज बात कर रहे हैं तीन और शूरवीर युवाओं की, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। सबसे पहले बात करते हैं युवाओं के दिलों पर राज करने वाले चंद्रशेखर आजाद की, जो देते हैं युवाओं को प्रेरणा अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने की। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर स्थित भामरा में हुआ था। इनका पूरा नाम चंद्रशेखर तिवारी था, लोग इन्हें आजाद कहकर भी बुलाते थे। पिता का नाम सीताराम तिवारी और मां का नाम जागरानी देवी था। 14 साल की उम्र में मध्य प्रदेश से आजाद बनारस ये आ गए। यहाँ एक संस्कृत पाठशाला में उन्होंने पढ़ाई की और यहीं पर उन्होंने कानून भंग आंदोलन में भी योगदान दिया। साल 1920 से 21 के बीच आजाद गांधी जी के असहयोग से आंदोलन से जुड़े, बाद में क्रांतिकारी फैसले खुद से लिए। 1926 में काकोरी ट्रेन कांड, फिर वाइसराय की ट्रेन को उड़ाने का प्रयास। 1928 में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सांडर्स पर गोलीबारी की। आजाद ने हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सभा का गठन भी किया था। जब वे जेल गए थे वहां पर उन्होंने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और जेल को उनका निवास बताया था। 27 फरवरी 1931 को वह प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में अपने क्रांतिकारी साथी से बातें कर रहे थे। इसी दौरान सीआईडी का एसएसपी नॉर्थ बाबर जीप से आ पहुंचा। उसके साथ भारी संख्या में पुलिस फोर्स थी। किसी ने चंद्रशेखर आजाद की मुखबिरी उस समय कर दी थी। चारों तरफ से आजाद को घेर लिया गया था, तब आजाद ने गोली चलाई। इसमें 3 पुलिसकर्मी मारे गए थे। जब आजाद के पास सिर्फ 1 गोली बची तो उन्होंने अंग्रेजों के हाथों मरने की बजाय खुद से मौत को गले लगाना ठीक समझा। आजाद ने खुद को गोली मार ली और शहीद हो गए। जब वो शहीद हुए तब उनकी उम्र महज 25 साल की थी। हंसते हंसते फांसी पर चढ़ने वाले युवा क्रांतिकारियों में एक नाम राजगुरु का भी है। राजगुरु का जन्म 22 अगस्त 1908 में पुणे के खेड़ा गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम शिवराम हरि राजगुरु था। जब राजगुरु 6 साल के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था। इसके बाद राजगुरु संस्कृत की पढ़ाई करने के लिए वाराणसी पहुंचे। यहां वे चंद्रशेखर आजाद के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए। अंग्रेज अफसर सार्डन्स की हत्या में राजगुरु भी शामिल थे। असेंबली में बम ब्लास्ट करने में भी राजगुरु ने हिस्सा लिया था। मार्च 1931 को 23 साल की उम्र में राजगुरु को भी भगत सिंह और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई। अब आखिर में बात करते हैं उनकी, जिन्होंने भगत सिंह राजगुरु के साथ मिलकर हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया। पंजाब के लुधियाना शहर में सुखदेव थापर का जन्म 15 मई 1907 में हुआ था। सुखदेव के पिता रामलाल थापर और मां रल्ली देवी थी। जन्म से 3 महीने पहले ही सुखदेव के पिता का निधन हो गया था। इसके बाद इनका पालन पोषण इनके ताऊ अचिंत राम ने किया। सुखदेव लाला लाजपत राय से काफी प्रभावित थे। उन्हीं के जरिए चंद्रशेखर आजाद की टीम में वे शामिल हुए। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए जब चंद्रशेखर ने प्लान बनाया तो सुखदेव भी उनमें शामिल हुए। उन्होंने अंग्रेज अफसर सांडर्स को भी मौत के घाट उतार दिया।
जेल में रहते हुए भी सुखदेव ने राजनीतिक बंदियों के साथ किए जा रहे व्यवहार के खिलाफ आंदोलन चलाया था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह राजगुरु के साथ सुखदेव को भी फांसी दे दी गई। फांसी के वक्त सुखदेव की उम्र भी महज 23 साल की थी। युवक हो, वृद्ध हो, बैरिस्टर हो या आम नागरिक, अनेकों भारतीयों ने दी है देश की स्वतंत्रता के लिए खुशी खुशी अपनी जान। हम याद करेंगे उनका भी बलिदान, गाथा स्वतंत्रता सेनानियों की इस खास कार्यक्रम में, सिर्फ और सिर्फ NBCN न्यूज पर।